काम कर रहा हो तक इंडिया या फिर आउटसाइड इंडिया में, जो ऐसा मतलब कोई भी टाइप का डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव। काम। मतलब आप समझ गए हो ना। हाँ सर, चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसी चीज को कंटिन्यू करते हैं। हमने स्वेट इक्विटी का मतलब पढ़ दिया था, आज हम स्वेट इक्विटी के प्रोविजंस पढ़ के स्वेट इक्विटी को खत्म करते हैं। सबसे पहला प्रोविजन है स्वेट इक्विटी की कंडीशंस, ठीक है। स्वेट इक्विटी शेयर आप तभी इशू कर पाओगे जब कुछ शर्तें पूरी होगी। सबसे पहली शर्त ये होता है कि स्वेट इक्विटी शेयर इशू करने के लिए आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाना पड़ता है। क्या पास करवाना पड़ता है? स्पेशल रिजोल्यूशन। इसमें क्लियरली मेंशन किया जाता है स्पेशल रिजोल्यूशन में कि कितने नंबर ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर आप इशू कर रहे हो, अभी शेयर्स का मार्केट प्राइस क्या है, आप इन एम्प्लॉइज से अभी कितना कंसिडरेशन ले रहे हो, और किन डायरेक्टर या एम्प्लॉइज को शेयर इशू हो रहे हैं। मैं पूरी बात रिपीट करता हूँ। स्वेट इक्विटी शेयर इशू करने की कंडीशन नंबर वन ये होती है कि आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास कराना होगा जनरल मीटिंग। जब आप रिजोल्यूशन पास कराएंगे तो उसके कंटेंट ये होंगे कि आपको बताना होगा कि कितने शेयर आप स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो, अभी मार्केट में क्या रेट चल रहा है इन शेयर्स का, आप इन एम्प्लॉई से किस रेट पर एक्सेप्ट कर रहे हो शेयर्स बेच रहे हो, और किन एम्प्लॉइज को शेयर इशू किए जा रहे हैं। आप बताइए, कोई दिक्कत नहीं सर? अच्छा, नेक्स्ट कंडीशन, अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में तो आपको सेबी के भी रूल्स फॉलो करने होंगे, और यदि आपकी कंपनी लिस्टेड नहीं है तो आपको कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल 2014 फॉलो करना होगा। ईमानदारी से बोलो, कोई दिक्कत नहीं सर? ये हो गया फर्स्ट प्रोविजन, ये कंडीशन कहलाती है। क्या कहलाती है? कंडीशन। अब अगला प्रोविजन जो है वो ये कहता है कि जब आप स्वेट इक्विटी शेयर इशू करते हैं तो ये पारी पासु रैंक में होते हैं। पारी पासु मतलब क्या होता है बताओ? इक्वल। तो अगर मुझे स्वेट इक्विटी शेयर मिले तो मैं बाकी इक्विटी शेयर होल्डर से कहीं भी कमजोर नहीं हूँ। जो राइट्स उनको मिले सेम राइट मुझे भी मिलेंगे। वो वोट कर सकते हैं तो मैं भी वोट कर सकता हूँ। उनको डिविडेंड मिलेगा तो मुझे भी डिविडेंड मिलेगा। आई एम इक्वल टू अदर शेयर होल्डर्स। बोलो, कोई दिक्कत नहीं? ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब स्पेशल रिजोल्यूशन पास होता है तो उसके आपको 12 महीने के अंदर, एक साल के अंदर जो होता है स्वेट इक्विटी शेयर्स का अलॉटमेंट करना होता है, ठीक है। इसकी वैलिडिटी है कि जैसे आज मान लो आज स्पेशल रिजोल्यूशन पास हुआ है, एसआर पास हुआ है, तो आपको जो अलॉटमेंट है स्वेट इक्विटी शेयर का कितने महीने के अंदर करना है? 12 months के अंदर। मतलब स्वेट इक्विटी का जो इशू है 12 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। बताओ, कोई दिक्कत नहीं सर? आपको इतने पॉइंट समझ आए कि नहीं है ये बता दो। हाँ सर, आ गए सभी लोग को? बेटा हैंड रेस करो एक बार, क्लियर है? नेक्स्ट लिमिट की बात करते हैं हम लोग, कितना स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं। तो याद रखना, वन टाइम में, एक बार में 15% ऑफ पेड अप कैपिटल। आपके कंपनी का जितना भी कैपिटल है उसके 15% तक आप स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकते हो। जैसे मेरी कंपनी का कैपिटल 1 करोड़ है, तो अगर मैं स्वेट इक्विटी शेयर अभी इशू करना चाहूँ तो 15 लाख रुपए तक का कर सकता हूँ। कितने तक का कर सकता हूँ? 15 लाख, ठीक है। ये वन टाइम होता है, और एट मैक्स जो होता है मतलब पूरा, वो 25% ऑफ पेड अप कैपिटल होता है, ठीक है। एक बार में 15% और मैक्सिमम कितना परसेंट? 25% तक। 25%। आप बताओ कितना क्लैरिटी है? क्लियर है सर। अरे प्रोविजन समझ आ रहे हैं कि नहीं? बहुत ज्यादा तो नहीं हो गया? पूरा क्लियर हो गया? समझ आ गया अच्छे से? अच्छा, अभी जितने इशू पड़े हो समझ आ रहे हैं? हाँ। देखो, अभी आपको मैंने चार प्रोविजन बता दिए, कंडीशन बता दी, मैंने पारी पासु रैंक बताया, आपको बताया कि स्वेट इक्विटी 12 महीने के अंदर हो जाना चाहिए, मैंने आपको लिमिट बता दी, वन टाइम में 15% और मैक्सिमम 25%, मैंने आपको ये बताया। देन बारी आती है लॉक इन पीरियड की। किसकी? लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड की बारी आती है कि अगर मान लो कि कंपनी में एक एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई का नाम अमन है, ठीक है, अमन एम्प्लॉई है। अब कंपनी ने अगर उसे स्वेट इक्विटी शेयर इशू करे, क्या इशू करे? स्वेट इक्विटी शेयर्स। तो इन शेयर्स को वो 3 सालों तक बेच नहीं सकता। क्या नहीं कर सकता? 3 साल तक बेच नहीं सकता। ये लॉक होता है, लॉक इन होता है, क्योंकि देखो इसको डिस्काउंट में दिया गया है, और इसलिए दिया गया ताकि ये इसकी वैल्यू इम्प्रूव हो सके और ये कंपनी में शेयर होल्डर बन सके। तो कम से कम 3 साल के पीरियड तक इसको ये शेयर होल्ड करके रखने होंगे और ये बेच नहीं पाएगा। कितना क्लैरिटी है?
हाँ सर क्लियर है। सभी लोग को क्लियर है कि मतलब ये आधा अधूरा है, डाउटफुल है कुछ? साक्षी सारे प्रोविजन समझ आ रहे हैं? टोटल 5 प्रोविजन हो गए। यस। अगला 6th प्रोविजन जो है ये VIMP है और ये ना 2-3 जगह पर मिलेगा आपको, तो इसको मत भूलना, एकदम क्लैरिटी से इसको ध्यान रखना। सिचुएशन ये हो रही है कि एक एम्प्लॉई है, उसको कंपनी ने स्वेट इक्विटी शेयर दिए। क्या दिए? अब इस एम्प्लॉई ने कंपनी को इसके बदले कैश ना देकर कंसिडरेशन नॉन कैश फॉर्म में दिया है। नॉन कैश फॉर्म में कंसिडरेशन देने का मतलब बेसिकली ये होता है कि इसने पैसे के बदले कुछ और दे दिया है, जैसे कोई एसेट दे दिए। जैसे मैंने 2 लाख रुपए के शेयर खरीदे तो 2 लाख रुपए मैंने कैश ना देकर उतने की कंपनी को एक बाइक दे दी। क्या दे दी? बाइक। रॉयल एनफील्ड दे दी। तो अब बताओ इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे? एग्जाम में क्वेश्चन आता है और ये सवाल आता है क्या नॉन कैश कंसिडरेशन अलाउ है कि नहीं है। तो हमारा लॉ ये कहता है कि बिल्कुल नॉन कैश कंसिडरेशन जो होता है वो अलाउ है। क्या है? अलाउ। अलाउ है, लेकिन आपको क्या करना होगा, उसका पहले वैल्यूएशन करा देना होगा ये देखने के लिए कि आप जितना भी एसेट दे रहे हैं या प्रॉपर्टी कुछ दे रहे हैं या कैश के बदले जो भी दे रहे हैं वो शेयर के लिए सफिशियंट हो, मतलब जितने शेयर आपको दिया जा रहा है उसके लायक हो। पहले बताओ ये बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ सर। अब जब आपने ये दे दिया तो इसका ट्रीटमेंट बेसिकली ये होगा कि अगर आपने एसेट दिए तो एसेट अगर दोगे तो उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ सर। तो इसको आप बैलेंस शीट में कैरी करोगे इस एसेट को, मतलब बैलेंस शीट में शो करोगे आप, कोई दिक्कत नहीं सर? और इस पे लगने वाले डेप्रिसिएशन को P&L अकाउंट में शो कर दोगे? फिर बोलूं भाई नॉन कैश कंसिडरेशन है, मतलब कैश नहीं दे रहे हो शेयर के बदले में, कुछ और दे रहे हो, तो क्या ट्रीटमेंट होगा? तो ट्रीटमेंट ये होगा कि जो एसेट है अगर वो डेप्रिशिएबल है तो उसको आप अपने बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो करना, और जो उसका डेप्रिसिएशन वो एक्सपेंस माना जाएगा, लॉस माना जाएगा, पीएनएल अकाउंट में शो करना। कोई बुराई है क्या इसमें? नहीं सर। आपको कितना समझ आया? आ गया। बार बार बोल रहा हूँ ये मत भूलना, ये क्या है आपके लिए? आपसे एग्जाम में पूछता है बेटा ये क्वेश्चन, अलग अलग तरीके से पूछेगा लेकिन ये पूछता बहुत ज्यादा है, तो इसको बहुत अच्छे से आप क्या करना, ध्यान रखना, ठीक है? हाँ सर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या स्वेट इक्विटी शेयर मैनेजेरियल रेनुमरेशन का पार्ट हो सकता है? मैनेजेरियल रेनुमरेशन का पार्ट होने का मतलब क्या ये डायरेक्टर की सैलरी का हिस्सा हो सकता है? तो नॉर्मल ये माना जाता है जो स्वेट इक्विटी शेयर है उसको आप मैनेजेरियल रेनुमरेशन का पार्ट मान सकते हो अगर कुछ शर्तें पूरी हो। सबसे पहली शर्त ये होगी बेसिकली कि ये स्वेट इक्विटी शेयर किसी डायरेक्टर या मैनेजर को इशू किए जा रहे हैं। किसको इशू किए जा रहे हैं? डायरेक्टर या मैनेजर को, ठीक है? और यहाँ पर बेसिकली ये माना जाएगा कि शेयर के बदले में पैसा आपकी सैलरी से काट दिया जाएगा, तो इसको कंसिडरेशन अदर देन कैश बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कंसिडरेशन अदर देन कैश। Consideration other than cash बोलेंगे और ये expense treat करके P&L account में दिखाया जाएगा। कोई दिक्कत? फिर से repeat करूं? हाँ। आप company में director हो, कुंजा जो है company में director है, ठीक है? आपने part B में managerial personal के salary के बारे में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? कितना percent of net profit? 11% of net profit होती है। 11%। Yes sir। कंपनी ने आपको स्वेट इक्विटी शेयर दिए, अब कंपनी जो है आपसे अलग से पैसा ना मांग के क्या कर रही है, आपका जो रेनुमरेशन है उसी का पार्ट दिखा दे रही है इसको, ठीक है? मतलब आपकी सैलरी में से स्वेट इक्विटी का पैसा काट दिया गया है, ठीक है? तो ये अलाउ है कि नहीं, क्वेश्चन ये है। तो पहली चीज तो ये अलाउ है। क्या है? अलाउड है। इसमें दो चीज आपको मांग, सबसे पहला कि ये जो अलॉटमेंट है स्वेट इक्विटी का ये डायरेक्टर को हो रहा है। किसको हो रहा है? डायरेक्टर या मैनेजर को। डायरेक्टर मैनेजर काटा जा सकता है। दूसरी बात ये है कि इसको नॉन कैश कंसिडरेशन मानेंगे। इसलिए नॉन कैश कंसिडरेशन मानेंगे क्योंकि आपसे कैश ना देकर आपकी सैलरी से ही क्या किया जा रहा है, डिडक्ट कर दिया जा रहा है। कितना क्लियर है सर? तो अगर एम्प्लॉय को मिल रहा है तो उसको तो ट्रीट नहीं कर सकते ना, कि अगर वो मतलब रेन्यूमरेशन का
को प्रोविजन किस चीज को लेकर है, क्या मैनेजरियल रेनुमरेशन का पार्ट है के पूछ रहा है। तो मैनेजरियल रेनुमरेशन को सिर्फ किसके लिए स्पेसिफाई किया गया, डायरेक्टर मैनेजर, तो ये उनका ही प्रोविजन है, एम्प्लॉय की बात ही नहीं की जा रही। आई बात समझ में? कितना क्लैरिटी है? क्लियर है सर। डाउट आया क्या इसमें? सर मान लो एम्प्लॉय को होता और उसकी सैलरी से काटते तो क्या, तो फिर ये वाले प्रोविजन में नहीं आता ना कि मैनेजर रेमुनरेशन का पार्ट है क्या। हम मानते हैं कि वो एक नॉन कैश कंसिडरेशन है। क्या है? नॉन कैश कंसिडरेशन। इसको क्योंकि उसकी सैलरी से काटा गया है तो हम इसको पी एंड एल के एक्सपेंस साइड में दिखा देते। सही बात है, गलत बात? यस सर। आप बताओ इसमें कहीं कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये नहीं करना कंपनसेशन एस्पेक्ट को, बोर्ड रिपोर्ट को नहीं करना। ये हो गया सर्टिफिकेट के सारे प्रोविजन खत्म। क्लियर हो गए आपको प्रोविजन? हाँ सर। तो आपने यहाँ पर क्या कर दिया, स्वेट इक्विटी खत्म कर दिया। आई होप आप सभी को स्वेट इक्विटी समझ आ गया होगा। नंदनी स्वेट इक्विटी समझ आया बेटा? अंकिता समझ आया स्वेट इक्विटी? सर आ गया। अच्छे से कि आधा अधूरा? अच्छे से सर। प्रिंट आउट निकाल दी हो क्या तुम नोट्स का? नहीं सर अभी तक नहीं निकाली। अब उसके बाद देखो क्या क्या इशू आपने पढ़ दिया। स्वेट इक्विटी आपने पढ़ दिया, प्रीमियम पढ़ दिया, डिस्काउंट पढ़ दिया। आपको सब समझ आ गए थे? हाँ सर। कोई तकलीफ नहीं थी इसमें? नहीं। अब बेटा इसके बाद आता है डिफरेंशियल राइट। क्या आता है? डिफरेंशियल राइट। थोड़ा सा ना अच्छे से इसको सीख लो और बिना कंफ्यूज हुए समझ लेना, ठीक है? जब आप किसी कंपनी में इक्विटी शेयर खरीदते हो तो आपको कंपनी में क्या मिलता है? ओनरशिप मिलता है। तो जैसे मैं अगर एक कंपनी का नाम लिखता हूँ, कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है? अब आप ये बताओ कि इसमें मुकेश अंबानी ओनर है कि नहीं है? हाँ सर। क्यों है? क्योंकि कुछ परसेंट ऑफ शेयर होल्डिंग बहुत है। क्योंकि उनके पास क्या है? इक्विटी शेयर्स। कल को अगर इस कंपनी में नंदनी जो है वो भी इक्विटी शेयर खरीद ले तो वो भी ओनर बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? यस सर। तो फिर नंदनी और मुकेश अंबानी में डिफरेंस किस बात का है? सर परसेंटेज ऑफ होल्डिंग का। इसका मतलब जितना परसेंट डिफरेंट रहेगा ना होल्डिंग्स का उनकी। क्या होता है बेटा कि जैसे आप एक इक्विटी शेयर भी खरीद लिए तो आप फुल ओनर हो जाते हो। सही बात है गलत बात है? एक इक्विटी शेयर भी आप खरीद लोगे कंपनी में तो आपको ओनर तो मानेंगे कि नहीं मानेंगे? हर कोई फ्रैक्शनल ओनर ही है। मुकेश अंबानी फ्रैक्शनल ओनर माना जाएगा, नंदनी फ्रैक्शनल ओनर मानी जाएगी, है ना? यस सर। मुकेश अंबानी को कंपनी पे ज्यादा कंट्रोल चाहिए, ज्यादा ताकत चाहिए, तो ये क्या करता है अपने इक्विटी शेयर को एक स्पेशल कैटेगरी का डाल देता है जिसको बोला जाता है विथ डिफरेंशियल राइट। क्या बोला जाता है? डिफरेंशियल राइट। डिफरेंशियल राइट का मतलब बेसिकली ये है कि मुकेश अंबानी जो है, ठीक है, अगर उसका इक्विटी शेयर विथ डिफरेंशियल राइट है, इसका मतलब ये होता है कि जब वोटिंग की बारी आएगी तो इसको ज्यादा पावर मिलेगी, जब डिविडेंड देने की या प्रॉफिट देने की बात आएगी तो उसको ज्यादा पावर मिलेगी। तो फिर नंदनी कैसी शेयर होल्डर हुई? तो नंदनी को हम बोलते हैं विथ इक्वल राइट। क्या बोलते हैं? विथ इक्वल राइट। विथ इक्वल राइट का मतलब है ये दूसरे नॉर्मल शेयर होल्डर्स की तरह है, जिसको वोट करने का अधिकार है, डिविडेंड देने का अधिकार है। लेकिन एडिशनल राइट जिसको दिए गए वो मुकेश अंबानी है, क्योंकि उसको क्या दिए गए? डिफरेंशियल राइट। इसके और एग्जांपल्स ले लो, जैसे ह्यूमन और सुपर ह्यूमन, डिफरेंस होता है कि नहीं होता है? हाँ। क्या डिफरेंस होता है? हम सब क्या है? हम सब और सुपरमैन क्या है? सुपर ह्यूमन है। तो ज्यादा ताकतवर कौन है? सुपरमैन है। शादी में जाते हो, कई शादी में क्या होता है, दो सेक्शन होता है, एक वीआईपी सेक्शन होता है और एक आम लंगर होता है जिसमें आम लोग खाते हैं। तो जो आम लोग हैं हम लोग जब जाते हैं तो हमारा नॉर्मल है, इक्वल राइट है। सही बात है? आपको साधारण साधारण खाना मिलता है और जो वीआईपी में जाते हैं उनको दबा के खिलाया जाता है, तो ये क्या हुआ है? डिफरेंशियल राइट। तो ओनर तो सब है, सबको बुलाया जा रहा है,
लेकिन हम जैसे लोगों को क्या दिया जाता है, इक्वल राइट के शेयर दिए जाते हैं कि तुम सब एक तरफ, और जो ताकतवर बनाना होता है जिसको कंपनी में, उसको क्या दे देते हैं, डिफरेंशियल राइट। आपको कितना समझ आया डिफरेंशियल राइट? क्या समझ में आया, क्या समझ में आया कि कंपनी में या ज्यादा ताकत चाहिए तो आपको कौन से शेयर रखने चाहिए? डिफरेंशियल राइट। आपको कंपनी बनाओगे, खूब सारे शेयर होल्डर होंगे, तो तुम अपने पास कौन सा शेयर रखोगे? डिफरेंशियल राइट। डिफरेंशियल। एकदम अच्छे से मेरी बात क्लियर है कि नहीं है ये बताओ? हाँ सर। कोई डाउट नहीं है? चलो, अब क्या होता है कि जैसे डिफरेंशियल राइट के शेयर इशू करने हैं तो उसकी कुछ नियम और शर्तें हैं। आपको एक कोड दे रहा हूँ जिससे आपको शर्तें याद होंगी। कोड है ARLPDDP। क्या ARLPDDP? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट आता है एक्सप्लेन द कंडीशन फॉर इशू ऑफ शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट। तो इसमें याद रखना ARLPDDP। क्या A का मतलब होता है कि कभी भी डिफरेंशियल राइट इशू करना है तो आर्टिकल में ऑथराइजेशन होना चाहिए। किसमें? आर्टिकल्स में। R का मतलब होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना है। क्या पास करना है? ऑर्डिनरी। L का मतलब लिमिट होता है। क्या होता है? लिमिट। आप अपने टोटल कैपिटल का 74% तक, कितने परसेंट तक? 74% तक शेयर इशू कर सकते हैं। ठीक है। पी का मतलब प्रॉफिट होता है। डिफरेंशियल राइट के शेयर वही इशू कर सकते हैं जो पिछले 3 सालों से प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। क्या कर रहे हो? प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। ये मतलब ए आर एल पी समझ आ गया कि नहीं? ए का मतलब क्या है? आर्टिकल से गवर्न होता है। आर का मतलब क्या है? ऑर्डिनरी सॉल्यूशन पास कराना पड़ता है। कितनी है लिमिट? 74%। पी क्या होता है? प्रॉफिट। कितने साल से? प्रॉफिट 3 साल से। फिर आता है डी। डी का मतलब होता है डिफॉल्ट। कंपनी ने पिछले 3 सालों से फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न करने में कोई डिफॉल्ट नहीं किया है, जमा करने में कोई दिक्कत नहीं सर। आगे फिर डिफॉल्ट आता है कि कंपनी ने डिविडेंड पे करने में या कोई भी लोन पे करने में डिफॉल्ट नहीं किया है। ठीक है। और फिर आता है पी माने पेनल्टी। किसी भी लॉ में कंपनी के ऊपर पेनल्टी नहीं लगी, चाहे वो RBI एक्ट हो या SEBI एक्ट हो या फेमा लॉ, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट लॉ हो, किसी में भी कंपनी के ऊपर पेनल्टी नहीं लगी। तो आपको ये ARLPDDP याद हो जाएगा? यस सर। तो बोल दो फटाफट। ए से आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑथराइज होगा तो ये सॉल्यूशन पास होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, और फिर डिविडेंड के उसमें डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, और पी पेनल्टी। याद हो जाएगा अच्छे से? हाँ सर। तो ये था आपका डिफरेंशियल वोटिंग राइट, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कहाँ पे पास हुआ है, कौन सी मीटिंग में? जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग में पास हुआ है। भूलोगे तो नहीं इस बात को? नहीं। चलिए, आप इसके सीधे प्रोसीजर पे आइए। किस पर आइए? प्रोसीजर कि डिफरेंशियल वोटिंग राइट के शेयर कैसे इशू होते हैं। तो सबसे पहले देखो, आप चेक कर दो कि आपके आर्टिकल में ऑथराइजेशन है कि नहीं। नहीं है। फिर कौन सी मीटिंग बुलाई जाती है हमेशा सबसे पहले? बोर्ड मीटिंग में डिस्कस कर दिया कि डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर इशू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है, पहले बताओ ये बात समझ आई कि नहीं? हाँ सर। आ गई। उसके बाद फोर्थ पॉइंट करना, देखो 1, 2, फिर 4। अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है, क्या है? लिस्टेड है। तो बोर्ड मीटिंग खत्म होने के 15 मिनट के अंदर स्टॉक एक्सचेंज को ये बात बता दो कि अब डिफरेंशियल वोटिंग राइट के शेयर इशू करने वाले हो। बताओ इस पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं? ठीक, अब ये हो गया। अब जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करो, कोई परेशानी नहीं? अब क्योंकि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हुआ है तो MGT 14 जमा करना है क्या अपने को? नहीं, नहीं करना है। ठीक है, हमेशा स्पेशल में किया जाता है। किसमें किया जाता है? तो बस हमको ये करना है कि क्योंकि हमने शेयर अलॉट करे यहाँ पर, तो हमें शेयर अलॉटमेंट का डिटेल 30 दिन के अंदर ROC को फॉर्म PAS 3 में देना है। किसमें देना है? फॉर्म PAS 3। अच्छा, अब आप उससे पूछो कि सर PAS क्या होता है, तो PAS का मतलब होता है
प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर, क्या प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर। अब ना इस बात को दिमाग में बिठा देना, किसी भी प्रकार का जब आप शेयर अलॉट करते हो तो आप आरओसी को 30 दिन के अंदर फॉर्म PAS 3 में बताते हो। जैसे डायरेक्टरों का डिटेल DIR 12 में देते कि नहीं देते, वैसे ही ना कभी भी शेयर अलॉट करोगे तो उसका डिटेल PAS 3 में देना। किस में देना? PAS 3। भूलोगे तो नहीं इस बात को? नहीं सर। तो अब देखो कितना इजी स्टेप है, सबसे पहले आर्टिकल चेक करें, फिर बोर्ड मीटिंग होल्ड करें। अगर कंपनी रजिस्टर्ड है तो उसको बता दिए स्टॉक एक्सचेंज को, ठीक है। जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करे, जब जनरल मीटिंग हो गई तो 30 दिन के अंदर क्या भर दिए? PAS 3। अच्छे से क्लियर है? हाँ सर। कोई डाउट नहीं है? अब जैसे ये हो गया तो अब क्या करो, सारे शेयर होल्डर के घर शेयर सर्टिफिकेट भेज दो। कितना क्लियर है? क्लियर है सर। और जिनके शेयर सर्टिफिकेट नहीं है उनके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। कितनी क्लियरिटी है? रजिस्टर में रिकॉर्ड रख दो कि कितने मेंबर्स है, किनको किनको डिफरेंशियल वोटिंग राइट के शेयर दिए गए। समझ आ गया? टफ था? नहीं। अच्छे समझ आया कि आधा अधूरा समझ आया? अच्छे से। कोई डाउट नहीं है? नहीं। चलो तो आपको आज मैंने क्या क्या बता दिया, स्वेट इक्विटी बता दिया, डिफरेंशियल राइट बता दिया, दोनों एकदम क्लियर है? हाँ सर। ओके, अब उसके बाद ना देखो प्रेफरेंस शेयर को बाद में करेंगे, पहले जो फ्लो चल रहा है उसी में करते हैं। हम बोनस शेयर पढ़ देते हैं। क्या पढ़ देते हैं? बोनस शेयर। ठीक है, आपको सिर्फ मतलब बताऊंगा जिसका, मैं आपको इसका प्रोसीजर नहीं बताऊंगा। ठीक, कल ये खत्म हो जाएगा चैप्टर, अब एक हिस्सा, ठीक है, एक यूनिट का एक हिस्सा कल खत्म हो जाएगा अपना। बोनस शेयर को बेटा कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। आपको मैं एक सिचुएशन दे रहा हूँ, आप मेरे को बताना। आप सब मेरी कंपनी के शेयर होल्डर हो, ठीक, मेरी कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, मैंने आपको डिविडेंड के रूप में सभी को 1-1 करोड़ रुपए डिविडेंड दिया। कितना डिविडेंड दिया? 1 करोड़। आप सबको, आप खुश होगे कि नहीं होगे इस बात से? हाँ। अब अगला साल आया, नेक्स्ट ईयर, मेरी कंपनी है, ठीक है, मुझे प्रॉफिट हुआ और इस साल मैंने आपको 10,000 रुपए डिविडेंड दिया, तो आपको कैसा लगेगा? खराब। क्यों? पहले ज्यादा रकम। तो कभी भी क्या होता है, जब लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है तो फिर वो वही ट्रीटमेंट चाहते हैं, वही चाहते हैं जो उनको मिलता आ रहा है, फिर उसे कम में वो नहीं मानते। सही बात है, गलत बात है? यस सर। तो कंपनी बेसिकली एक पॉलिसी फॉलो करती है कि प्रॉफिट कम हो या ज्यादा हो, हम अपने शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन नहीं बढ़ाएंगे, हम उनको हर साल स्टेबल डिविडेंड देंगे। क्या देंगे? स्टेबल डिविडेंड। एक रेंज में देंगे ना, उस रेंज से कम ना उस रेंज से ज्यादा। और अगर किसी साल हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया, क्या हो गया? बहुत ज्यादा हायर प्रॉफिट हो गया, शेयर होल्डर ये बोलने लगे यार इतना तो कमा रहे हो फिर क्यों डिविडेंड कम दे रहे हो, तो हम क्या करेंगे, उनको एडिशनल शेयर दे देंगे। क्या दे देंगे? एडिशनल शेयर। और ये भी बिना किसी कॉस्ट के, बिना किसी पैसे के। तो ये जो एडिशनल शेयर विदाउट कॉस्ट दिए जाते हैं इसे बोनस शेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोनस शेयर। बोनस शेयर कहा जाता है। तो जैसे मैं एक कंपनी चला रहा हूँ, ठीक है, मैं बोलता हूँ कि इस साल मेरा बहुत जबरदस्त प्रॉफिट हुआ है, मेरा प्रॉफिट 100 करोड़ रुपए का हुआ है। कितने का हुआ है? 100 करोड़ का हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, आपको डिविडेंड जो स्टेबल है नॉर्मल है वही देता हूँ, और साथ साथ क्या करता हूँ, आपको खुश करने के लिए मैं आपको बोनस देता हूँ शेयर के फॉर्म में। किस फॉर्म में? शेयर के फॉर्म में। आप सबको मैं 30 करोड़ के शेयर बांट दिए। कितने के शेयर बांट दिए? 30 करोड़ के शेयर बांट दिया। तो आपका इससे बेनिफिट क्या हो रहा है कि आपके पास जितने शेयर थे, एग्जिस्टिंग शेयर थे, उसके साथ साथ आपको कुछ न्यू शेयर भी मिल गए। सही बात है, गलत बात है? अब शेयर होल्डिंग क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। तो शेयर होल्डिंग इंक्रीज हुई तो आगे जाके ज्यादा डिविडेंड मिला करेगा कि नहीं मिला करेगा? हाँ सर। ये नए शेयर आपको पैसे से मिले कि फ्री में मिले? फ्री में मिले, पर इसकी एक कॉस्ट है, खर्चा है, ठीक है। आपको तो फ्री में मिल रहा है पर इसका खर्चा कंपनी बियर करेगी। कौन बियर करेगा? कंपनी। और कैसे बियर करेगी?
वो इस कॉस्ट को आपके प्रॉफिट में से रिड्यूस कर देगी. किसमें से रिड्यूस कर देगी? प्रॉफिट में से. प्रॉफिट में से एडजस्ट कर देगी. तो प्रॉफिट जैसे आपका 100 करोड़ था, ठीक है, यही बैलेंस शीट पी एंड एल में दिख रहा था आपका 100 करोड़, तो इसमें से 30 करोड़ रुपए क्या किया जाएगा, काट दिया जाएगा. ठीक है, अब आपका प्रॉफिट कितना हो गया? 70 करोड़. तो ये 30 करोड़ रुपए गया कहाँ? तो ये 30 करोड़ किसमें ऐड हो गया? एडेड टू कैपिटल. किसमें ऐड हो गया? कैपिटल में. तो क्योंकि ये कैपिटल में ऐड हो गया तो पैसा कंपनी से कहीं निकला ही नहीं, ये तो कंपनी में ही रह गया. सही बात है. हाँ सर. बस ये प्रॉफिट से घूम के अब कहाँ पहुंच गया? कैपिटल. तो अगर मैं इसको कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट बोलूं तो गलत है क्या? नहीं सर. प्रॉफिट को आपने क्या कर दिया? कैपिटलाइज कर दिया. एक तीर से हमने कितने निशाने मारे, ये समझो. शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन नहीं बढ़ने दी, लेकिन उसको खुश जरूर कर दिया फ्री में शेयर दे के. सही बात है. हाँ सर. हमारा प्रॉफिट बहुत ज्यादा दिख रहा था तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की भी नजरें आ गई थी, तो हमने जब कैपिटलाइजेशन किया तो प्रॉफिट लेवल पे आ गया, तो वहां से भी बच गए कि नहीं बच गए? यस सर. और तीसरा, कंपनी से बाहर गया क्या कहीं पैसा? नहीं. पैसा अभी भी कहाँ है? कंपनी में, कैपिटल में. बस वो प्रॉफिट सब क्या दिखने लग गया? कैपिटल. कितना क्लियर है? क्लियर है सर. अच्छे से समझ आया कि आधा अधूरा समझ आया? अच्छे से. तो फायदा क्या होता है बोनस शेयर इशू करने का? आपके फंड फ्लो में कोई इफेक्ट आता है क्या? नहीं सर. शेयर की मार्केट वैल्यू नॉर्मलाइज हो जाती है क्या? प्रॉफिट से एकदम जब दोहरा जाता है तो शेयर की मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है. तो कोई चीज जितना जल्दी ऊपर जाती गिरती भी क्या है? जल्दी. तो इससे क्या लेवल पे चीजें आ जाती है, तो मार्केट वैल्यू शेयर की सही रहती है. शेयर होल्डर की शेयर होल्डिंग्स बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? हाँ सर. इंक्रीज हो गई, क्योंकि बोनस शेयर कोई इनकम नहीं है तो इस पे टैक्स भी नहीं लगता. सही बात है, गलत बात है? हाँ सर. और पेड अप शेयर कैपिटल कंपनी का क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है. क्लैरिटी है? हाँ सर. तो ये बोनस शेयर का कॉन्सेप्ट है. बेसिक समझ आया कि नहीं आया? हाँ सर, आ गया. अब इसका वीडियो भेजूंगा, इसको शांत मन से देख लेना, कल इसके सोर्स और कंडीशन पढ़ेंगे. ठीक है बेटा? यस सर. ये आप पढ़ो, आपको एकदम अच्छे समझ आ गए ना सभी लोगों को बोनस शेयर? यस सर. यस सर. ये कर दो आप. ठीक, ये पढ़ो आज, काफी आपको.